दिल्ली सरकार मिड डे मील में पके हुए खाने की बजाय बच्चों को ड्राई फूड दे सकती है। यूरोप और अमेरिका की तुलना में 5 गुना अधिक ब्लैक कार्बन की चपेट में है दिल्ली। सांसद की मानसून सत्र में हंगामे को थामने के लिए ब्लैक आउट पर विचार। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा यदि बीजेपी जीती तो देश हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। आज पटना में होगी अमित शाह और सीएम नीतीश की मुलाकात। पीएम मोदी का भाषण सुनने के लिए 14 जुलाई को बंद रहेंगे आजमगढ़ के स्कूल और कॉलेज। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के जंगल में आतंकियों से मुठभेड़, एक आतंकी मारा गया। दिल्ली हाईकोर्ट का अहम सुझाव, देश में तय हो डॉक्टरों के काम करने की समय सीमा। दिल्ली का अक्टूबर में मिल जाएगा सिग्नेचर ब्रिज। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया आयुष्मान भारत के लिए आधार जरूरी नहीं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी श्रीधर ने 66 साल के बाद कटवाए 9 मीटर लंबे नाखून। फीफा विश्व कप 2018 क्रोएशिया ने रचा इतिहास, इंग्लैंड को हराकर पहली बार फाइनल में बनाई जगह। फीफा विश्व कप 2018 फाइनल मुकाबले में फ्रांस को टक्कर देने उतरेगी क्रोएशिया। सैफ की बेटी सारा अली खान को मिली तीसरी फिल्म पिता के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म प्रस्थानम के